नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं यहाँ नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जनपद के लगभग 80 गांव इस समय बढ़ते जलस्तर की चपेट में हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सभी गांव में समुचित व्यवस्था के साथ ही नाव की भी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की, जो निरंतर 24 घंटे कार्य कर रही है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने सतीवंश संवाददाता से बात में कहा कि यदि किसी गांव या अन्य जगहों पर पानी भरता है तो वह तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। तीन प्रमुख नदियां में डेंजर लेवल से ऊपर पानी चल रहा है इस समय में, और तकरीबन 80 गांव हमारा इस समय में पानी का गिराव में है, और उसका नाव को व्यवस्था हम कर रखा है, और वहाँ कहाँ कहाँ ज़्यादा परेशानी है वहाँ का राहत सामग्री का व्यवस्था भी हम करा रहे हैं, और बाकी जो जनता को कोई परेशानी है उसी के हिसाब से हम लोग योजना बना करके कराते हैं। अभी किसी भी इलाका में कहीं पानी का जल जमा है और कहीं परेशानी है, आप प्रशासन को बता दीजिए। बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करती है, कलेक्ट्रेट का नंबर है वही बाढ़ कंट्रोल रूम का नंबर है। आप इसी चैनल के जरिए से भी आप नीचे पट्टी चलेगा उसे जान सकते हैं, और उसी के संपर्क करते हुए बाढ़ संबंधित जानकारी दे सकते हैं, सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं आप। और हमें बाढ़ भी इस समय में वो साथ साथ एक आफत के रूप